नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। कैसा फूल सा मुरझा रहा है, वो कैसी कठोर माँ होगी जिसने बच्चे की खैर खबर ही नहीं ली। तुम अपना कान देखो, चूल्हा खाली होगा उसके ऊपर पानी रखो। जी मैम सर। मॉर्निंग सर। कहाँ रूबी, कैसे हो? सर हमारी शादी का ये सबसे पहला कार्ड है सर। तो बाजी जीत ली तुमने। हाँ वो हमारे श्रीमान सूरज कहाँ है? वो सर अपने दोस्तों को कार्ड देने गए हैं। वेरी गुड हम सच्चाई से आंखें चार करने का साहस कर रहे हैं। इस कड़े संघर्ष में आपका आशीर्वाद ही हमारा बल रहा है सर। अच्छा तो एक नसीहत और सुनती है। इस सच्चाई से आंखें चार करने में कहीं सूरज की पढ़ाई का आठवां नहीं कर देना। हाँ तुम्हारा नाम क्या? पांडुराम। तुम्हारा नाम पांडुराम नहीं, तुम्हारा नाम बॉबी। क्या बॉबी? हाँ हम कौन? तुम्हारी मम्मी। हाँ ये लो, रूबी की नैया तो पार लो। शादी तय हो गई उसकी। चलो अच्छा है, कोशिश कामयाब की। अरे बड़ा प्यारा बच्चा है। ए टिमक तू तले दो तो हम। काफी स्मार्ट है, किसके साथ जाते हैं? वो ही बच्चा जो सुशीला के पास था। भाई तुम कुछ भी कहो, हमें तो चुनमन जी बहुत पसंद है। झोंपड़पट्टी के माहौल में बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। चाहो तो कुछ दिनों के लिए इसे यहीं रख लो। आपको कुछ परेशानी तो नहीं होगी? परेशानी? इसमें परेशानी की क्या बात है? बच्चा और फूल किसे बुरे लगते हैं? यूं भी हाथ की लकीरों को किसने पढ़ा है? कौन जानता था कि एक अनाथ बालक आगे चलकर कबीरदास बन जाएगा। सतीश मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ हाँ इसमें पूछने की क्या बात है? तुमने पहले भी कई बार पूछा था लेकिन उस समय मुझमें हिम्मत नहीं थी। अगर आज तुम सुनना चाहो तो कुछ कहूँ? जरूर, मगर इसमें इतना संकोच का है? हम लोग एक दूसरे के लिए कोई अजनबी तो नहीं? मुझे नहीं मालूम मैं बात कहाँ से शुरू करूँ। मुमकिन है कि आज की शाम भी मेरे जीवन की एक मनहूस शाम बन जाए। ये बच्चा मेरा है, मैंने इसे जन्म दिया था। ओ माँ क्या तुम वाकई संजीदा हो? कहीं ये कोई मजाक तो नहीं? काश ये मजाक होता। सतीश अब मैं बहुत टूट चुकी हूँ, इतने बड़े दर्द को अब मैं अकेली नहीं सह सकती। 5 साल पहले की बात है, एक दीवानी ने मुझे अपनी दीवानगी का शिकार बना लिया था और बदकिस्मती से मैं वक्त से पहले माँ बन गई। बच्चे की पैदाइश के समय मैं बेहोश थी, मुझसे कहा गया था मेरी कोख ने मौत को जन्म दिया, जिसे हमेशा के लिए जमीन में दबा दिया गया। तुम सुनते हो ना? लेकिन वो था कौन? कौन था जिसने हमारी जिंदगी में इतना जहर भर दिया? अच्छा है तुम सब कुछ जान जाओ। मैं बाबूजी और सुशीला के साथ छुट्टियां बिताने समुद्र के किनारे गई थी। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वो वहां ठहरा हुआ था। बातों से बहुत सुलझा हुआ लगता था लेकिन शराब उसकी कमजोरी थी। क्या मैं जान सकता हूँ ये खूबसूरत जगह है कहाँ?
उरन समुंदर के किनारे। उरन समुंदर के किनारे, बहुत खूब। उन साहब का नाम भी रहा होगा कोई? हाँ, जगदीश कपूर। क्या? जगदीश कपूर? लेकिन बेकार की बातों से तुम्हें क्या सरोकार, मैं झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं उमा, सरा याद करो, क्या उम्र थी उसकी? यही कोई 28-30 साल। ये कब की बात है? 15 जून 1968। हाँ, मगर तुम्हें? गोरा रंग, बड़े बड़े बाल, डॉक्टर वर्मा का बंगला। हाँ। और वो समुद्र में डूब गया। अजीब बात है, तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम? इसे पहचानती हो क्या? यही था वो आदमी? हटा ये तस्वीर मेरे सामने से, मैं और इसे नहीं देखना चाहती। जगदीश ही था, मेरा बेहतरीन दोस्त और बदतरीन दुश्मन। तुम्हारा दोस्त? वो जानवर? ये दो दिमागों की लड़ाई थी। उसके सिद्धांत मुझसे अलग थे, लेकिन उसकी काबिलियत से इनकार ये बहुत मुश्किल था। लेकिन वो मरा क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं। नहीं उमा, ये बहुत जरूरी है। शायद वो अपने किए पर शर्मिंदा हो। शर्मिंदा? शर्म और एहसास, ये दो शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं थे। वो समाज के हर घेरे से बाहर था, लेकिन उसकी वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो ये भी उसके असूलों के खिलाफ था। वो क्या था क्या नहीं था ये मैं नहीं जानती। मुझे जो कहना था वो तुम सुन चुके, अब मुझे सिर्फ तुम्हारे फैसले का इंतजार है। जानता हूं जिस दिन मुझे तुम्हारी इस बकरी छाप सच्चाई के दर्शन हुए, याद रखो दोस्त, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अच्छा एक बात और बताओ, तुमने उसकी लाश देखी थी? हाँ देखी थी। उसका चेहरा गौर से देखा था? बंद करो ये छानबीन, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब मैं इस घर में और रह सकूंगी या नहीं। और तुम हो के बार बार उस पापी का नाम लिए जा रहे हो, न जाने से कौन सी खुशी मिल रही है तुम्हें। नहीं तुम्हें नहीं मालूम, ये बहुत जरूरी है। उसका चेहरा कैसा लग रहा था? इतने घिनौने पाप के बाद भी वो एक बच्चे की तरह मीठी नींद सो रहा था। मीठी नींद? मैं क्या जानू मैम सर,
मैं तो काम में लगी हुई थी। बड़ी काम की बातें कर रही है, जरा सा बच्चा नहीं देखा गया। मेरे सा बच्चा इधर आया ही नहीं, अभी तो यही था, कहाँ निकल गया? मालूम पड़ जाता। ये बच्चा आपका है? बच्चे पैदा करने का शौक है तो खेल का ग्राउंड खरीदो ताकि वहाँ खेलता रहे। हाँ, सड़कों में दान समझ रखा है, चले आए गेंद लेके। सॉरी, सूट बूट पहन लिया और बोल दिया सारी। आप बच्चे का ध्यान रखा कीजिए, बाल बाल बच गया। क्या हुआ? ये खड़े हैं सारी साहब, इन्हीं से पूछिए क्या हुआ। 20 साल से मोटर चला रहे हो थानेदार जी, और कोई होता तो अभी तक बच्चा भिंडी बाजार बन गया होता। बच्चे को कहीं चोट वोट तो नहीं आई? अरे नो यस तो हो गया, अभी ट्रैफिक पे चालू करो। अच्छा आप ठहरिए, आप ठहरिए और आप भी। चलो चलो क्लियर अभी, चलो इधर चढ़ो, चलो भी चढ़ो, चलो चलो। क्या हुआ? बच गए। एक्सीडेंट? ये लाइट का आर्जन कौन देगा साहब? ये बम्पर जो दब गया है साहब। चलो चलो रास्ता खाली करो इधर से, चलो चलो चलो, कम ऑन एवरीबॉडी, चलो चलो। क्या आपको यकीन है कि बच्चा ठीक है? जी हाँ। आपका नाम? सतीश सक्सेना। क्या करते हैं आप? यूनिवर्सिटी में लेक्चर। कहाँ रहते हैं आप? 69B DP Road। ये बच्चा आपका है? हे मिस्टर, ये बच्चा आपका है क्या? जी हाँ। बच्चे का नाम? बच्चे का नाम बताइए। अनंत सक्सेना। उम्र? 4 साल। आपको कोई कंप्लेंट लिखवानी है? नो थैंक्स। आपका घर सड़क के किनारे है मिस्टर सक्सेना, और ये सड़क काफी बिजी है। आइंदा बच्चे का ख्याल रखिएगा, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से ये शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए, समझे? गुड लक। जानती हो ना, ये मेरे पिता का नाम था। अनंत, अंतहीन, जिसका कोई अंत ना हो।